Hello students, today we are going to discuss the remaining part, the remaining concepts which we have left. This is the continuation of your second chapter, directorial process. Okay? Before we have discussed this, before this we have already discussed about some other concept, that is what is election commission, what is the process of election commission and what is the process of elections and functions of election commission and reorganizing the constituency. This all the things we have discussed before. Now we are going to discuss what is code of conduct and some other things also, other concept also. See, first of all, let's see what is code of conduct. Okay, so see, code of conduct jo hai, agar isko hindi mein kahe to isko kehte hain aachar sanhita. Theek hai, ye code of conduct kyun zaruri hai? ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं क्या कहा है इसमें. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. कोड ऑफ कंडक्ट इज़ वन ऑफ द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन. द रूल्स लेड बाय इलेक्शन कमीशन्स आर टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स बिफोर एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन. और क्या कहा है, इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वॉयलेट दिस रूल्स. ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट अगर नॉर्मली हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, जब इलेक्शन हो रहा है देश में, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए और वोटर्स के लिए एक रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो किसने बना कर दिया या किसने जो है कहा है इलेक्शन कमीशन ने. ठीक है, किसने कहा है उसे फॉलो करने के लिए. ठीक है, विच इज़ लेड डाउन बाय इलेक्शन कमीशन. ठीक है, क्यों इसकी ज़रूरत है, ताकि पूरे देश में, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, इससे पहले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्शंस होते हैं, इंडिया, मैंने कहा, बहुत बड़ा देश है, साथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो एक साथ हर एक जगह पे, हर एक स्टेट में जो है इलेक्शन नहीं हो सकता, हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाएंगे. और इसीलिए क्या होता है, स्टेजेस डिवाइड हैं कि इतने टाइम पे, इतने टाइम पीरियड में इतने स्टेट्स में इलेक्शन होगा और फिर दूसरे टाइम पीरियड में दूसरे स्टेट में इलेक्शन होगा. तो इसीलिए वो सारी जो इलेक्शन के प्रोसेस हैं या जो इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है इंडिया में, उसमें एक होता है कि सिस्टमैटिक मैनर से और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके इलेक्शंस को कंडक्ट किया जा सके. इसीलिए जो है इलेक्शन कमीशन ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हमें बताएं. ठीक है, और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मैंने जैसा कि बताया, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर्स को, इन हम सबको, जो वोटर्स हैं, ऑफकोर्स जो वोटर्स हैं जो 18 ईयर्स अबव हैं उनके लिए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लोग इलेक्शन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है, हम इन सबको जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा. इवन गवर्नमेंट कैन नॉट वॉयलेट दिस रूल्स, बिकॉज यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो गवर्नमेंट है और जो इलेक्शन कमीशन है, दे आर सेपरेट. ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर जो है इलेक्शन कमीशन काम नहीं करती. ओके, तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट, एनी पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिंग वोट्स. क्या कहा है, ये एक पहला जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसमें ये कहा है कि कोई भी पार्टी जो है, ठीक है, अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक रिप्रेजेंटेटिव को मैदान में उतार रही है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो लीडर है या जो उम्मीदवार है, वो जाके किसी मंदिर में जाके, या कह लो कि रीजनल रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, इसको हम कम्युनलिज्म भी कहते हैं, हम रीजनलिज्म भी एक तरीके से इसमें आ सकता है, तो उस बेसिस पे वो जाकर अपने वोट्स ना मांगे. ठीक है, कि भाई मैं इस रिलीजन को फॉलो करता हूँ या मैं इस धर्म का हूँ, तो आप जो मेरे धर्म वाले हैं वो मुझे वोट करें, ऐसा या लाइन या ऐसा कोई तरीका वो अपना नहीं सकता. ठीक है, ये क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने जैसा होगा. ठीक है, आगे क्या कहा है, मॉस्क, चर्च, टेम्पल्स और अदर प्लेसेज ऑफ वर्शिप शुड नॉट बी यूज एज ए फोरम ऑफ इलेक्शन प्रोपेगेंडा. इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के कैंपेन के लिए, चुनाव प्रचार के लिए, रैली के लिए और
जहाँ इलेक्शन होते हैं उस जगह के लिए किसी भी तरीके से ना मंदिर को, ना मस्जिद को, ना चर्च को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि जो इलेक्शंस होते भी हैं वो स्कूल्स में होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं, ठीक है। इवन चुनाव रैली भी अगर कोई नेता कर रहा है तो वो इस इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए वो उसको बिल्कुल यूज़ ना करें, ठीक है। अगर इलेक्शन हो रहे हैं या इलेक्शन होने वाले हैं तो वो उसके लिए किसी मंदिर में जाके अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दे तो वो गलत होगा, कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने जैसा होगा, ठीक है। और इसीलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है ले बना कर दिए हैं, कहा इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा, देश भर में जब चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, भले वो डिफरेंट स्टेजेस में हो पर फिर भी जो है एक बोलते हैं ना एक पीसफुल मैनर से और एक सिस्टमैटिक मैनर से विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसको फॉलो करने के बाद जब ये सारी चीज़ें, जब सारा इलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए कहा है कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इस सारे कोड ऑफ कंडक्ट को जो है बताया है फॉलो करना है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी तरफ से, ठीक है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। रिमेंबर दिस में आप लोगों की टेक्स्ट बुक में एक ग्रीन कलर का बॉक्स है, उसमें ये इंफॉर्मेशन दी है। सी ये जो है महाशय, ये है श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, वॉज ही फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया एंड ही एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट ऑन 25th October 1951 इन लोकसभा इलेक्शंस। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि जो इंडिपेंडेंस जब हमें मिली, ठीक है, तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में ये प्रोविजन हुआ कि इंडिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए या किसी भी कौन सी गवर्नमेंट आकर आगे रूल करेगी इसके लिए इंडिया में प्रॉपर इलेक्शन होंगे, ठीक है। इसलिए जो है 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो यहाँ पे वो बात रखी गई, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही जो है इलेक्शन कमीशन, जो आर्टिकल 324 है, इलेक्शन कमीशन को बनाया गया, ठीक है, साथ में, ठीक है। और उसी के बाद क्या हुआ, 1951 और 1952 के बीच में इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और जो पहले, सबसे पहले जो वोट देने वाले जो इंसान थे या जो पर्सनालिटी थी वो कौन थी, श्याम शरण नेगी की, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले वोट दिया और ये आप कह लो कि ही वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, सबसे पहले वोटर हैं इंडिया के। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, ठीक है, ही इज़ नो मोर नाउ। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी जो जो राइट टू वोट जो हम सबको है, ठीक है, राइट टू वोट जो है हमारे पास, इन्होंने जो अपना राइट टू वोट है वो कब एक्सरसाइज किया या कब प्रैक्टिस किया, ये 25th October 1951 को किया, ठीक है, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 1951। दिस वाज़ द फर्स्ट इलेक्शन, ठीक है, जो पहला ऐसा इलेक्शन था जो इंडिया में होने वाला था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बताई है, योर वोट इज़ योर वॉइस, ठीक है, आपका वोट ही आपकी आवाज़ है, ठीक है। आप किसको वोट दे रहे हो या कौन सी लीडर को आप वोट दे रहे हो, कौन से लीडर को आपने ये सोचा है कि आगे चल के जो है वो मेरी सारी उम्मीदें, सारी नहीं थोड़ी बहुत उम्मीदें जो है मेरी पूरी करेगा, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, एज अ जनता और एज पीपल, ठीक है, एज अ, तो वो जो चीज़ है, इसीलिए जब कहा जाता है कि जब आप वोट कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर वोट करना है कि आगे कौन सा रिप्रेजेंटेटिव हमें, क्योंकि वो क्या है, जब वो आ जाएगा तो फिर वो 5 साल के लिए या कितने भी साल के लिए जो है, 5 साल जो नॉर्मली अगर लेकर चले तो 5 साल के लिए वो हम पर राज करने वाला है, हम पर रूल करने वाला है। तो इसीलिए वो सोच कर ही वोट देना है, ठीक है। आवाज़ जो कहते हैं ना, जो करप्टेड ना हो, जो जनता के वेलफेयर के बारे में सोचे, वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसे ही हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहिए। और इसीलिए कहा है योर वोट इज़ योर वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन, ठीक है। पहले देखो, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ईवीएम मशीन से के थ्रू, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू हम जो है वोट दे पाते हैं, ठीक है, ऑफकोर्स 18 ईयर्स के अबव जो है। तो यहाँ पे पहले, अभी ये सिनेरियो कि हम इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हमारे पास हैं ताकि हम वोट दे सकें, ठीक है, बट पहले जब इंडिपेंडेंस के बाद जब वोट हमारे यहाँ इलेक्शंस कंडक्ट होने शुरू हुए तो उसमें जो है हमारे पास ईवीएम मशीन नहीं थी। तब क्या होता था, बैलेट बॉक्स होते थे, ठीक है। बैलेट बॉक्स या कह लो कि एक ऐसा तरीका होता था कि लोगों को वोट, तभी तब के ज़माने में वोट डालने के लिए बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है बैलेट बॉक्स जो स्टील के बनते थे, मतलब स्टील के बॉक्स होते थे वो बैलेट बॉक्स। और यहाँ से हमने कहाँ पे प्रोग्रेस की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पास, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या कहा है इसमें, द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज हेल्ड इन 1951 टू 1952।
Initially, the ballot boxes were used for the purpose of voting. The voters were supposed to given blank ballot papers and they were supposed to drop them in box having election symbol of the party they wanted to vote for. यहाँ पे जब 1951 और 1952 के बीच में या 1952 और 1951 to 52 के बीच में जब ये वोटिंग्स हो रही थी, इलेक्शंस जब कंडक्ट हुए थे पहली बार एक इंडिपेंडेंट इंडिया में, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है हमारे पास वोटिंग मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी वो नहीं थी हमारे पास. तब जो है बैलेट बॉक्स उसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है. क्या कैसे ये कैसे प्रोसेस होता था कि क्या होता था कि बैलेट बॉक्स है, दैट इज़ वो स्टील के कोई बॉक्स रहेगा, ठीक है, और उस पर क्या होता था कि हर एक बैलेट बॉक्स पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अगर चुनाव लड़ रही हैं तो उनके पार्टी का सिंबल जो है वो उस बैलेट बॉक्स पे बना होता था, ठीक है. और जो वोटर्स होते थे उनको एक खाली या ब्लैंक स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो है दिया जाता था, ठीक है, जिसको हम बैलेट कह सकते हैं, बैलेट पेपर, ठीक है. वो क्या है कि वो खाली है, उस पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है. ये कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि भाई लिख के आपने वोट दिया, ऐसा नहीं है. क्या होता था, वो खाली होता था, ब्लैंक बैलेट पेपर होता था, और उसमें वो लोग क्या करते थे, वो ब्लैंक पेपर उठा के जो है वो पर्टिकुलर, वो जो पर्टिकुलर पार्टी का जो सिम्बॉल है, सिम्बॉल वाले जो बॉक्स है उसमें डाल देते थे, ठीक है. और इस तरीके से जो है लोग अपनी वोटिंग अपने मनपसंदीदा पॉलिटिकल पार्टीज को देते थे, ठीक है. आगे क्या कहा है, देन ईवीएम मशीन स्टार्टेड इन 1990 में जो है ईवीएम मशीन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई. और उसके बाद क्या हुआ, इट गिव्स नोटा दैट इज नन ऑफ द अबव ऑप्शन टू वोटर्स इन केस द वोटर डज नॉट वांट टू वोट. क्या हुआ, जब ईवीएम मशीन आई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, तो क्या हुआ, इसने एक और ऑप्शन दिया हमको, ठीक है, इसने एक नया ऑप्शन दिया हम लोगों को कि आप वोट जिसको नहीं करना चाहते. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमको वोट ही नहीं देना है, ठीक है. हम नहीं चाहते कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी, हम समझते हैं कि फिर कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरेगा, या हम चाहते हैं कि हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को वोट ना दें, तो इसीलिए क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को वोट ना दें ऑफकोर्स. तो यहाँ पे क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये हमको एक खास तरीके का ऑप्शन भी देती है, दैट इज़ नन ऑफ द अबव, ठीक है, नोटा, ठीक है. यानी मैं चाहती हूँ, अगर वोट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उस नोटा वाले ऑप्शन को प्रेस कर सकती हूँ. यानी क्या, वोट मैंने किसी को नहीं दिया, बट वो जो है ना मेरा राइट टू वोट वाला जो, वो जो मेरा राइट है या जो बोलते ना मेरा हक है, ठीक है, वो मैंने प्रैक्टिस किया, बट मैंने यहाँ पर किसी को वोट नहीं दिया, ठीक है. आगे क्या कहा है, इट इज़ ऑल्सो ईजी फॉर डिसेबल पीपल टू वोट, इट इज़ इको फ्रेंडली एंड हेल्प्स इन अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. क्या कहा है, जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, या जिनको दिखता नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए ये क्या है, उनके लिए ईजी है, ठीक है, कि आपको जाके सिर्फ बटन को प्रेस कर देना, ठीक है, या जिनको दिखता नहीं है या कहीं अगर हैंडीकैप्ड हैं वगैरह वगैरह, तो इन लोगों के लिए ईजी पड़ जाता है. क्योंकि क्या है, पहले अगर हम बात करें तो क्या होता था, देखना पड़ेगा भाई कि कौन से बैलेट बॉक्स में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, और उसके बाद जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है. पर बैलेट मशीन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, आपको सिर्फ बटन प्रेस करना है, ठीक है, तो वो उनके लिए जो है थोड़ा आसान हो जाता है. और साथ में ये इको फ्रेंडली है. इको फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि जब बैलेट बॉक्सेस का जो उपयोग होता था, जब बैलेट बॉक्सेस वोटिंग के लिए यूज़ होते थे, तो उसमें क्या होता था कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था. और पेपर आपको पता है कहाँ से आता है, ट्रीज़ वगैरह को कट किया जाता है, उसके बाद जो है हमें पेपर मिलता है. तो उसकी वजह से क्या होता था, क्योंकि इतने साइज़ जो पॉपुलेशन है हमारा, जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए क्या होता था कि प्रॉब्लम या यहाँ पे ये होती थी कि जब वोटिंग होने वाली है, जब इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं, तो काफ़ी सारे पेड़ों को काटा जाता था और उनसे जो है वो बैलेट पेपर बनाए जाते थे, और इसीलिए जो है ये इको फ्रेंडली नहीं था. बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें तो ये इको फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, चुपचाप जाना है, वोट देना है और आ जाना है. इसमें किसी भी तरीके के बैलेट बॉक्स की या बैलेट पेपर की कोई भी ज़रूरत नहीं है. और क्या कहा है, इट हेल्प्स इन अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. बैलेट बॉक्स की अगर बात करें तो उसमें हमने क्या डाला है, पेपर डाल दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो भी काउंट करेगा, तो जाहिर सी बात है काउंटिंग ऐसी होगी ना, 1, 2, 3, 4, यानी आपको पूरा निकालना होगा, पहले पूरा खाली करो बॉक्स, उसके बाद गिनो कि कितने सारे, काउंट करो कितने लोगों ने कौन सी पार्टी को वोट दिया, ठीक है. बट ईवीएम मशीन में क्या होता है, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जल्दी काउंट कर लेते हो,
ठीक है, और क्या है रिजल्ट जो है वो जल्दी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। बैलेट बॉक्सेस में प्रॉब्लम ये होती थी कि टाइम लगता था रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, क्योंकि क्या है बहुत सारी वोटों की काउंट करनी पड़ती होती, ठीक है। और इसीलिए क्या है ईवीएम जो मशीन आई तो वो उसने काम आसान ये कर दिया कि जल्दी जो है इलेक्शन कमीशन जल्दी डिक्लेयर कर सकेगी रिजल्ट को, क्योंकि क्या है आपने क्या किया प्रेस किया तो वो काउंट होता जाएगा वोट, और उसके बाद सारे नतीजे जो हैं जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने बैलेट बॉक्स के बारे में जाना और कुछ ईवीएम मशीन के बारे में जाना, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव अहेड। अब यहाँ तक हमने क्या देखा कि भाई प्रोसेस क्या है, फंक्शन क्या है, या क्या स्ट्रक्चर है इलेक्शन कमीशन का, किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीज़ें देखें। अब हम देख रहे हैं चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब इलेक्शन कमीशन ये चाहती है कि पूरे देश में फ्री एंड फेयर यानी कोई धोखाधड़ी ना हो, ठीक है, फ्रीडम भी यहाँ पे किसी की कैद ना की जा सके, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का दंगा फसाद ना हो, कोई रायट्स वगैरह ना हो, और इस तरीके से इलेक्शन जो है देश भर में कंडक्ट किए जाए, इसके लिए क्या होता है चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस इसलिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्या होता है कभी कभी ये चीज़ें जो है वो झगड़े में बदल जाती हैं, वाद विवाद में बदल जाती हैं, ठीक है, और फिर राइट्स होने लगते हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ फिर रिलीजन के तौर पे उसको जोड़ दिया, रिलीजन से उसको जोड़ दिया जाता है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को फ्री और फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। क्या कहा है, इफ़ यू टेक इन टू अकाउंट द साइज ऑफ आर कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर्स, कंडक्टिंग इलेक्शंस बिकम अ ट्रूली चैलेंजिंग टास्क। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू वर्क इन अकॉर्डिंग विद द लॉ वाइल डीलिंग विद दिस चैलेंजेस, सम ऑफ द चैलेंजेस आर मेंशन बिलो। तो जाहिर सी बात है क्योंकि इतने सारी पॉपुलेशन के बीच में इलेक्शन को कंडक्ट करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, और इसीलिए जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन को। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, फर्स्ट वन इज मिसयूज ऑफ मनी। पॉलिटिकल पार्टीज़ जब इलेक्शन कैंपेन करती हैं, ठीक है, तो उनको जो है ना पैसे देती है गवर्नमेंट, ठीक है, कि भाई एक एक पॉलिटिकल 25 लाख, मुझे लगता है कि 25 लाख जो है वो पैसे उतने दिए जाते हैं कि भाई 25 लाख के बियॉन्ड अगर खर्चा हो जाता है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ठीक है, इसमें ना गवर्नमेंट का कोई लेना देना ना इलेक्शन का, ठीक है। तो क्या होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है 25 लाख रुपये मिलता है इलेक्शन कैंपेन के लिए, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25 लाख तो है, ठीक है। अगर उससे बियॉन्ड यानी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर चुनाव प्रचार करते वक्त अगर उस मनी का मिसयूज़ करती है, ठीक है, गलत तरीके से इस्तेमाल करती है या फिर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करती है तो ये भी एक चैलेंजेस है, ठीक है, उसको कैसे रोकना है। तो इसलिए क्या कहा है यहाँ पे, इट टेक्स प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। और ये हमारे इलेक्शन में ऐसी चीज़ें, ये जो मिसयूज ऑफ मनी है ये वाला किस्सा बहुत बार होता है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप सच अ मिसयूज ऑफ मनी। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि इफ़ यू हैव नोटिस, हम क्या कभी कभी ऐसा भी हुआ है, कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिला है कि क्या होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो के जो लीडर होते हैं वो घर घर जाके जब वोट मांग रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग पैसा जो है दिया जाता है कि भाई आप हमें वोट दे दें और पैसा हमसे ले लें, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ से जा रहा है, गवर्नमेंट की जेब से जा रहा है ना। तो इसीलिए क्या कहा है यहाँ पे कि ये जो मिसयूज़ है मनी का, ठीक है, वो रुकना चाहिए। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स भी यहाँ पे दिए हैं, बताए हैं, लिख कर दिए हैं कि भाई आपको इस तरीके से यूज़ नहीं करना है पैसा, ठीक है, और अगर उससे बियॉन्ड 25 लाख के बियॉन्ड हो जाता है तो फिर तो दिक्कत ही है, ठीक है। आगे क्या कहा है, कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज गिव इलेक्शन टिकट्स टू द कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड, गिविंग पॉलिटिकल पावर टू पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड मे हार्म आर कंट्री। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपना जो कैंडिडेट होता है विद क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसका कोई क्राइम हिस्ट्री रहा होगा, ठीक है, तो उसके बावजूद भी जो है उसे टिकट दे दिया जाता है, ठीक है, कि वो उस सीट पर लड़ेगा, टिकट होता है, ठीक है, टिकट वो रेलवे और मेट्रो वाला नहीं, टिकट क्या होता है जब कोई कैंडिडेट जब इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो उसको उसकी पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वो लड़ रहा है उसके उसको जो है वो टिकट दिया जाता है, ठीक है। तो वो अगर कैंडिडेट अगर वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ है तो ये भी तो हो सकता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के हाथ में अगर वो जीत जाता है तो वो उसके हाथ में क्या आ जाएगा, हमारा कंट्री आ जाएगा, या
जो पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, जहाँ से वो, जिस भी रीजन से वो अगर खड़ा हुआ है इलेक्शन में, ठीक है, तो अगर वो जीत जाता है तो पावर किसके हाथ में जाएगा, उसके हाथ में जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री को ही नुकसान होगा, ठीक है। और इसीलिए कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि ये भी एक चैलेंज है कि कोई कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड, ठीक है, उनको भी टिकट दे दिया जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। आगे क्या कहा है, वॉयलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन, अनदर मेजर चैलेंज इज वॉयलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन, एक्सटेंट ऑफ वॉयलेंस हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग इलेक्शन। क्या कहा है यहाँ पे कि एक तो चलो चैलेंज है कि भाई क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को जो है आपने टिकट दिया, दूसरा ये भी होता है कि जब हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं ना तो कई जो है वॉयलेंस जो है कई तरह के वॉयलेंस होते हैं, ठीक है, रायट्स होती हैं, ठीक है, मारपीट, झगड़ा, विवाद सब शुरू हो जाता है, ठीक है, कि हमारी पार्टी जीतेगी या हमारी पार्टी जीतेगी, या होता है ना कि कभी ऐसे स्ट्रगल फील हो, दोनों जो दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिशन में, तो उनके बीच में स्ट्रगल होने लगता है, जो पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं दोनों साइड के वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे कि लड़ना झगड़ना सोशल मीडिया पर भी चालू है, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्शन के टाइम पर भी क्या होता है, कई सारी ऐसी चीज़ें जो है, कई सारे ऐसे वॉयलेंसेज होते हैं, ठीक है, जिसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को काम करना पड़ता है। और ये भी एक तरीके का चैलेंज है उनके सामने कि वॉयलेंस ना हो और फिर इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके, वो भी एक चैलेंज है, ठीक है। आगे क्या कहा है, अदर प्रॉब्लम्स में आपके आएंगे करप्शन एंड ब्राइबरी आर मेजर कॉजेज ऑफ अनफेयर इलेक्शन एंड पोज अ टफ चैलेंज इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या कहा है कि करप्शन, ठीक है, या ब्राइबरी, रिश्वत देकर, ठीक है, काम करवाना अपना, तो ये भी एक मेजर चैलेंज है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि करप्शन है अगर, और अगर वो रिश्वतखोरी है तो दिक्कत इसलिए है क्योंकि क्या होगा, कोई भी कैंडिडेट जो शायद लायक भी ना हो रिप्रेजेंटेटिव बनने के, उसको भी मौका यहाँ पे अगर मिल जाता है, या फिर जनता जो है उसको उल्लू बनाया जाता है, ठीक है, और कहते हैं ना पैसे देकर अपने वोट खरीदे जाते हैं, तो ये किसी भी तरीके का फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता है, ये क्या धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है। और ये भी प्रॉब्लम है या ये एक चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के सामने कि उसकी वजह से क्या होता है, जो वो कोड ऑफ कंडक्ट वो बनाती है, जो हमारे लिए उसने बनाए हैं रूल्स और रेगुलेशन, उसमें कहीं ना कहीं तरीके की यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स पड़ जाती हैं। ओके, सो दीज आर सम चैलेंजेस कंडक्टिंग इलेक्शन विथ फ्री एंड फेयर, जब हम कह रहे हैं फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए, तो ये जो चैलेंजेस हैं किसके सामने हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने हैं, जिसको उसे सॉल्व करना पड़ता है ताकि क्या हो, पूरे देश में, ठीक है, स्टेज वाइज जो है अच्छी तरीके से जो है इलेक्शंस को कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने चैलेंजेस की बात कर ली, ठीक है। देखो ये भी एक जो हम अभी पढ़ने जाते हैं, दैट इज़ इलेक्शन रिफॉर्म्स, ठीक है। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि सुधार लाना, ठीक है, या किसी चीज़ में चेंज लाना, कि हमारे यहाँ इलेक्शन, आप लोगों को भी पता होगा कि इलेक्शन जब हमारे यहाँ होता है तो ये तो है नहीं कि बहुत ही परफेक्टली हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इसीलिए कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए, रिफॉर्म्स यानी कुछ सुधार आने चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, देश में हर एक कम्युनिटी के लोगों को इम्पोर्टेंस भी मिले, ठीक है, और साथ में एक फ्री और फेयर, ठीक है, ना जनता के साथ धोखा हो, ना जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ धोखा हो, और बहुत ही अच्छे से जो है विदाउट एनी वॉयलेंस जो है इलेक्शन कंडक्ट किए जा सके, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले जो देखा कि चैलेंजेस थे ना, वो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन रिफॉर्म से कनेक्टेड है, जाहिर सी बात है ना, सुधार वही करना पड़ेगा जहाँ पे चैलेंजेस हैं। पहले चैलेंजेस में क्या क्या बताया आपको कि भाई करप्शन है, ब्राइबरी है, ठीक है, फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को यहाँ पे टिकट दे दिया जाता है, तो यही जब हम रिफॉर्म्स में इसको लेकर जाएंगे तो यही क्या बन जाएंगे, हमारे सुधार काम बन जाए। तो कौन कौन से सुधार हैं या कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा होने चाहिए या इलेक्शन के दौरान हमारे यहाँ होने चाहिए। क्या कहा है यहाँ पे, इलेक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इलेक्शन, इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम्स रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट्स इम्प्रूव्ड। क्या कहा है यहाँ पे कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, हर एक टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शन देश में होने हैं, फिर गवर्नमेंट आने वाली है नहीं, ठीक है। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे देश में जो है इलेक्शंस को काफ़ी इम्प्रूव करके अगर हम उसको कंडक्ट करें,
तो हमारे लिए ये अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमने वीडियो में जब हम इंट्रोडक्शन ये देख रहे थे तभी मैंने कहा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे जो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है या जो गवर्नमेंट है वो लोग ही चुनते हैं, ठीक है, लोग ही इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और डेमोक्रेटिक कंट्री या जो डेमोक्रेसी आप इंडिया की जिसकी बात कर रहे हो आप उनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और इसीलिए क्या है कि डेमोक्रेसी जो है हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्शन पर डिपेंड करती है। और अगर वहीं पे धोखाधड़ी ज़्यादा हो गई, प्रॉब्लम ज़्यादा है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। और इसीलिए कहा है कि हमारे इलेक्शंस को और इम्प्रूव्ड होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, कैसे हो सकती है वो देखते हैं। विद द चेंजिंग टाइम्स न्यू रिफॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड इन इलेक्शन, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। जाहिर सी बात है सिचुएशन एक जैसी तो नहीं है, टाइम बदल रहा है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें बदलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बदलती ही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा है कि धीरे धीरे इलेक्शंस जो हैं वो अब जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आनी ज़रूरी है। पहला इम्प्रूवमेंट या कह लो कि पहला रिफॉर्म क्या है कि टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% कैंडिडेचर टू वुमेन कैंडिडेट्स एंड ट्राई टू इंश्योर दैट दे गेट इलेक्टेड, ठीक है। क्या कहा यहाँ पे कि जब इलेक्शन हो रहे हैं तो ये ना हो कि वो मेल डोमिनेटेड हो जाए, ठीक है, यानी क्या सिर्फ ज़्यादा मौका, ठीक है, मेल डोमिनेटेड कहना शायद गलत होगा, बट मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा जो है यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंस मेन को ही ना दी जाए, यहाँ पे मेन्स को, यहाँ पे कुछ जो वुमेन है, ठीक है, उनको भी 50% यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, दैट इज़ इक्वल हो जाएगा फिर, ठीक है। 50% मौका जो है किनको मिलना चाहिए, वुमेन को मिलना चाहिए, ताकि वो लोग भी जो है अपने पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करें, उनकी भी गवर्नमेंट बने, ठीक है। क्योंकि क्या है, आज देश में वुमेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और अगर ऐसे केस में वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो बहुत सारे सुधार काम हो सकते हैं। और इसीलिए कहा है कि एक रिफॉर्म ये भी होगा कि आप जो 50% जो कैंडिडेचर है, जो 50% जो कैंडिडेचर मतलब यहाँ पे क्या कि जो वो सीट पर लड़ने वाले जो कैंडिडेट है, अगर 100% है तो उसमें से 50% जो है आप किसको मौका दे पार्टिसिपेट करने का, वुमेन्स को मौका दे। और ये भी इंश्योर करें, ये भी आप तय करें या ये भी आप देखें कि वो जीतती हैं या इलेक्ट होती हैं या नहीं होती हैं, तो वो भी एक प्रोसेस है। या आपने दे दी टिकट भाई वो हार गई तो आपने छोड़ दिया, ऐसे नहीं, आप एक इस तरीके का माहौल देश में बनाने की कोशिश करें कि क्या हो 50% वुमेन को मिले कैंडिडेट, और साथ में ये भी ज़रूरी है देखना कि वो जीत रही हैं या नहीं जीत रही हैं, ठीक है। लोकसभा में जो है आई थिंक महाराष्ट्र में ये चीज़ जो है वो लागू हो चुकी है कि 50% जो है वुमेन्स जो हैं वो रहेंगी असेंबली में, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट लोकसभा, ठीक है, जब पक्का हो जाएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। नाउ आगे क्या कहा है, पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेट टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। हमने देखा, ठीक है, कि जो भी बंदा, ठीक है, या जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी लीडर है, लीडर तो मत ही कहो क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, तो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का जो अगर कैंडिडेट है उसको किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी टिकट ही ना दे अपने पार्टी को, ठीक है, उसको वोट ही ना लड़ने दे, ठीक है, क्योंकि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्राइम हिस्ट्री है उसकी। आगे क्या कहा है, द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट जब दे रही है ना पैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो थोड़ा ध्यान रखे उसके ऊपर, ठीक है, कहीं ज़्यादा ना दे दे, कहीं कम ना दे दे, जो सबके लिए है उतना ही मिलना चाहिए, और वो जो एक्सपेंसेस है उसको मिसयूज़ ना करें, ऐसा भी पॉलिटिकल पार्टी से वो कहकर लें। क्या कहा है, टू इंश्योर दैट पार्टीज विल नॉट मेक मिसयूज़ ऑफ मनी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है, ये चीज़ रुक जानी चाहिए, ये भी एक रिफॉर्म है, सुधार है। क्या होना चाहिए कि किसी भी तरीके से मिसयूज़ ऑफ मनी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो पैसा जो है हमारे लोगों की जेब से जाता है, हम जब टैक्स भर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के पास ही तो स्टोर हो रहा है, तो वो जब पैसा जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए, ये अश्योर करना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो है किसी भी पैसे का, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो पैसे का मिसयूज़ ना करे, और मिसमैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टॉप हो जानी चाहिए जब हम इलेक्शन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, ये भी एक सुधार वहाँ पे होना चाहिए। और क्या कहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट शुड बी अमेंडेड सो दैट कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड वुड नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये क्या है कि भाई इसके तहत जो भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू क्या होगा कि जो भी जो जनता वोट करने जा रही है तो उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब
किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं है या फिर कहीं रिश्वत वगैरह में तो नहीं पकड़ा गया है, ये सारी चीज़ें जो है करप्टेड नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो जनता को पता होनी चाहिए जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रही है या वोट डालने जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा है यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट शुड बी पीपल एक्ट शुड बी अमेंडेड, यहाँ पे क्या ये ज़रूरी हो जाना चाहिए पीपल्स, ये जो रिप्रेजेंटेशन है पीपल एक्ट का ये बहुत ज़रूरी हो जाना चाहिए ताकि क्या हो, जो कैंडिडेट है उसको वोट ही ना मिले या वो पार्टिसिपेट ही ना कर पाए, ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। ओके, सो दीज आर दी इलेक्शन रिफॉर्म्स। एक लास्ट पार्ट है, ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है, ठीक है, क्या है इसमें, जनरल इलेक्शंस क्या है, मिड टर्म इलेक्शन क्या है और बाय इलेक्शन क्या है, ठीक है। तो पहले हमें जनरल इलेक्शन की बात कर लें। लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ना उनको हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। क्यों देखते हैं, लोकसभा इलेक्शन हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। कि जो लोकसभा के जो आपने पहले भी अपने अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं, यानी रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, हर 5 साल बाद होते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जनरल इलेक्शन, ठीक है। फिर क्या कहा है, मिड टर्म इलेक्शन, ठीक है, ये क्यों होता है, इफ़ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेज इट्स मेजॉरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म इन द पार्लियामेंट और इफ़ द पार्टीज ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट विदड्रॉ देयर सपोर्ट रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड इफ नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज पॉसिबल देन इलेक्शंस आर हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म एंड दे आर कॉल्ड एज मिड टर्म इलेक्शन। दो चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है। पहला क्या कहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट है जिसको मेजॉरिटी तो मिली थी, ठीक है, जिसको मेजॉरिटी तो मिली थी बट अब जो है लोगों का सपोर्ट जो है या जो मेजॉरिटी पहले मिली थी और उसके बाद जब उसकी गवर्नमेंट बन गई अब जो है मेजॉरिटी कम हो रही है, अब ज़्यादा लोगों को उनका काम पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में भी मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं। या जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में आपने अपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ठीक है, सपोज़ इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हुए इंडिया में, ठीक है, और किसी भी पार्टी को यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो अभी की जो सरकार है वो कोएलिशन गवर्नमेंट ही है, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे किसी को मेजॉरिटी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, तो क्या हुआ कि कुछ पार्टीज़ ने ये डिसाइड किया कि हम लोग साथ में आएंगे, वी विल वर्क टुगेदर, ठीक है, और विल फॉर्म अ गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, कांग्रेस और जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी और जो शिवसेना है, इन लोगों तीनों ने अपना क्या किया, साथ में आकर काम किया और अपनी एक अलग जो है गवर्नमेंट बनाई। तो वो उनकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट बनाई नहीं पर जो पार्टी उन्होंने मिलकर बनाई तीनों ने उसको हम क्या कहेंगे, और क्योंकि अभी उन्हीं का गवर्नेंस चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, उनकी पार्टी को, तरीके से एग्जांपल किसका है, कोएलिशन गवर्नमेंट का। अच्छा, जब कोएलिशन गवर्नमेंट बन गई और उसके बाद जो है जितनी भी तीन पार्टीज जो हैं महाराष्ट्र की अगर बात करें, जो तीन पार्टीज हैं ना, अगर एक ने भी जो है यहाँ से अपना सपोर्ट ले लिया, ठीक है, कि पीछे हट गए वो लोग, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो जो गवर्नमेंट है वो अपनी मेजॉरिटी को ख़त्म कर लेगी, मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे केस में क्या होगा कि अगर कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं है, यानी अब कोई दूसरा गवर्नमेंट संभालने के लिए नहीं है या वो दावेदार नहीं है कि वो आगे आने वाली गवर्नमेंट को संभाल सकेगा या गवर्नमेंट गवर्न कर पाएगा पूरे देश को कि नहीं, तो ऐसे केस में क्या होता है, मिड टर्म इलेक्शन होता है, ठीक है। मिड टर्म यानी क्या, बीच में ही मतलब इलेक्शन किए जाते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, वापस से इलेक्शन हो और फिर जो जीतेगा, जिसको मेजॉरिटी मिलेगी ऑफकोर्स वो लोग अपनी गवर्नमेंट बना पाएंगे। सो ये कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में था, ठीक है। क्या कहा है, देन इलेक्शन आर हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। जैसे अगर 5 साल का टर्म है तो उसके बीच में ही अगर ऐसी कोई चीज़ें हो जाती है, कोएलिशन गवर्नमेंट टूट जाती है या मेजॉरिटी जो पार्टी को मिली थी वो ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मिड टर्म यानी क्या, अपने टर्म को या 5 साल को पूरा करने से पहले ही जो इलेक्शन होंगे उसको हम क्या कहेंगे, मिड टर्म इलेक्शन, ठीक है। आगे क्या कहा है, बाय इलेक्शन, ठीक है, इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा विधानसभा और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजाइंस और ड्यू टू हिज और हर डेथ हिज सीट बिकम्स वैकेंट द इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दैट वैकेंट सीट एंड दिस इज कॉल्ड एज बाय इलेक्शन, ठीक है। यानी क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे समझ लो कोई गवर्नमेंट अगर बनी है, ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या होता है, जैसे कोई चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, हेल्थ जो है काफ़ी ख़राब है या फिर डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, अल्टरनेटिव अगर नहीं है, मतलब उनके कहते ना उनके जब प्लेस खाली हो गई तो वेकेंट प्लेस पे कोई और अल्टरनेटिव उनके पास दावेदार नहीं है या उनकी जगह पर हम जिसको इंटरिम कहते ना, इंटरिम चीफ मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्रेसिडेंट, तो
ऐसे में क्या होगा कि क्या होता है जब अल्टरनेटिव कोई है नहीं तो उस केस में क्या होता है, फिर भी तो फिर उस पर्टिकुलर वेकेंट सीट के लिए, सबके लिए नहीं, पूरी गवर्नमेंट के लिए नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर सीट के लिए जो है इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है, ताकि क्या हो, इलेक्शन कंडक्ट हो और जो उनकी खाली जगह है उसको भरा जा सके, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, बाय इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर किया, ठीक है। पहले हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन और उसके स्ट्रक्चर क्या है। इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने जैसा कि बताया, ये आर्टिकल 324 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये चीज़ जो है मेंशन की गई है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। उसके तहत इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है और साथ में जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरे स्मूथ तरीके से, इफ़िशेंट मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में पूरे देश भर में जो है इंडिया में अगर बात करें तो इलेक्शन को कंडक्ट करेगी, ठीक है। फिर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, मैंने बताया था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उन्हें असिस्ट करने के लिए दो और कमिश्नर्स होते हैं। फिर हमने फंक्शंस देखे थे कि किस तरीके से काम करती है, जैसे वोटर लिस्ट को बनाना, स्क्रूटनाइज दी कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में। फिर मैंने बताया प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्यों ऑर्गेनाइज करना पड़ता है उसका ये वो सारी चीज़ें देखी। फिर कोड ऑफ कंडक्ट देखा, उसके बाद चैलेंजेस क्या आते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कर पाए इंडिया में। और फिर हम लोगों ने इलेक्शन रिफॉर्म्स देखे और फिर ये भी हम लोगों ने जाना कि पहले जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आई थी तो बैलेट बॉक्स के थ्रू किस तरह से वोटिंग होती थी। तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर, दैट इज़ इलेक्टोरल प्रोसेस, जो है यहाँ पर ख़त्म किया। रिगार्डिंग दिस, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, बाय।